बात करें, आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह कि सब पूरे सलाम मुंबई के सारे यूनिट को, सारे कलाकारों को और इससे जुड़े हुए सभी हस्तियों को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसमें मेरे लिए खुशी की बात है कि एज ए फादर के नाते कि इसमें मेरा बेटा दिलशाद, माई सन दिलशाद, जो इस फिल्म में फुल फ्लेज में म्यूज़िक दे रहे हैं और गाने बहुत अच्छे बने हैं। मैं उनको एक सुनकार के नाते मैंने सुना है इसके म्यूज़िक को, तो मुझे यकीन है कि इसका म्यूज़िक भी स्कोर करेगा। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात मेरे लिए खुशी की यह है कि पहलाज नीलानी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें मेरा बेटा म्यूज़िक दे रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, अगर बात करें इस फिल्म के दौरान आपकी शुरुआत एक बहुत बड़ी एक पहल है, क्योंकि बड़े फैला जी इस फिल्म से जुड़े हैं और दो देशों का एक मसला है, तो क्या कहना चाहेंगे, अपने आप में एक मिसाल है? सर, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं पहला जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं ईरान के डायरेक्टर्स जिन्होंने ये पहल की है और एक नई शुरुआत की है, तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा रिलेशन बना है और इतनी अच्छी फिल्म बनी है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ की ऑडियंस को, ईरान की ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। किस तरह का म्यूजिक है इसमें? सर, इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक और सिचुएशन को देखते हुए उसमें हर मूड है, डांसिंग नंबर है, रोमांटिक नंबर है, सैड सॉन्ग है और बहुत अच्छा प्यारे प्यारे गाने हैं। और आई होप के पापा ने कितनी हेल्प की आपकी इस बारे में अगर बात करें? डैड ने तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं की और मैं चाहूँगा कि वो मेरी हेल्प कभी ना करे, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो मेरे लिए गाए ज़रूर। एंड आई विश के इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ जी, रेजा रेजा मेरा साया, जाने तू ही है मेरा, रेजा रेजा मेरा साया, जाने तू ही है मेरा। पापा से आपने क्या क्या सीखा है, बात करें म्यूजिक के बारे में? डैडी से ही इंस्पायर हुए हैं और बचपन से म्यूज़िकल माहौल में रहे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन मिलता गया। एंड आई थॉट के सिंगर के बेटे तो सिंगर बनते हैं, लेकिन आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ म्यूज़िक डायरेक्टर। सर, आजकल दौर बदल चुका है, गाने का हर चीज़ टाइम बदल गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छी बात है, दौर बदलना चाहिए। और जैसे न्यू जनरेशन, जैसे जनरेशन आते हैं उनका अपना टेस्ट होता है, तो दौर बदलना चाहिए। और दौर बदलने से बहुत सी बातें जहन में आती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमने खोया है, क्या पाया है। तो बहुत अच्छी बात है, आज का दौर भी अच्छा है। पहला दौर तो गोल्डन एरा था, आज का दौर भी अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मेरा बेटे ने जो म्यूज़िक दिया है वो हर जनरेशन को पसंद आए, हर दौर में पसंद किया जाए, ऐसे गाने बनाए हैं, तो ये खुशी की बात है। हाँ जी, एकदम से इंस्टेंटली आपने मुझे पूछा है, बेटे को ये दुआ है, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। था क्या क्या हुआ? No, I'm learning Hindi. Okay, one second. Are we ready? Yeah, rolling. Okay. Talking about your dialogues in the film. So do you remember and would you say a dialogue?